राष्ट्रपति पारा जी आज आपने बैठक किया, क्या कुछ बैठक में आज बनने हम लोगों ने? बैठक में सर्व समिति से पूरे बिहार से जो हमारे जितने भी जिला अध्यक्ष थे और दलित सेना के जिला अध्यक्ष थे और प्रदेश के जितने भी पदाधिकारी हैं, इवन कि बिना निमंत्रण का पूरे देश से भी 5 स्टेट से हमारे दल के लोग आए और ये पूरे मीटिंग में ये फैसला हुआ, सब लोगों ने अपने स्पीच में कहा कि हमको 243 सीट की तैयारी करनी है और 243 सीट की हम तैयारी करेंगे और 1 सितंबर से पूरे बिहार में जो 38 जिला है, हम 2-3 दिन में जिला का घोषणा करेंगे, किस जिला में किस दिन हमारी बैठक होगी और जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं सब लोग जाएंगे और 243 सीट पर हम अपनी तैयारी करेंगे। जब विधानसभा का चुनाव 2025 में आएगा, अभी लगभग 15-16 महीना है, उस समय हमारी पार्टी की क्या रणनीति होती है और NDA का क्या बर्ताव होता है मेरे साथ, दोनों बात है, हमारी पार्टी की रणनीति क्या है और NDA का क्या बर्ताव होगा। फिर हम जनवरी में, नए साल के जनवरी में, 2025 के जनवरी में हम एक नेशनल पूरे देश की किशोर हॉल में एक बैठक बुलाएंगे, उसमें जो सर्वसम्मति से पार्टी की राय होगी उस राय के का डिसीजन हम लोग मान लेंगे। क्योंकि लोकसभा चुनाव में आपको नजरअंदाज करके रखा गया, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में? नहीं, मुझको पूरा विश्वास है, उस समय हमारी बात हो चुकी थी, मुझको पूरा विश्वास है कि विधानसभा के चुनाव में मुझको नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। उपचुनाव होने वाले हैं? हाँ, ये उपचुनाव होने वाला है, 4 विधानसभा में उपचुनाव है, ये चारों विधायक माननीय हो गए, अपने लोकसभा के सदस्य हो गए हैं, उसमें एक तरारी है, तरारी में जो हमारे दल के वरिष्ठ नेता हैं श्री सुनील पांडे जी हैं, वो 2020 में चुनाव लड़े थे और सेकेंड वो होते लगभग 63,000 मत उनको मिला था, 10,000 कुछ वोट से वो हारे थे। तो हमारा डिमांड है, हमारी पार्टी की मांग है, आज प्रस्ताव भी हम लोगों ने पास किया है, हमारी पार्टी का डिमांड है कि 4 सीट में से 1 सीट तरारी जो हमारे पास सशक्त उम्मीदवार है, उनके लोक जनशक्ति, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नाम से सीट दिया जाए। इसके लिए मैं बिहार प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी से मैं पत्र भी लिखूंगा और मैं जाके मिल के आग्रह भी करूंगा कि आप इस सीट मुझे मेरे कोटे में दीजिए। विधानसभा चुनाव में आने वाले जो विधानसभा चुनाव 2025 में, अगर आपको साथ तो फिर आप आगे कहा? अगर मगर कुछ नहीं होता है, मैंने कहा कि भाई 243 सीट पर अपनी तैयारी मैं कर रहा हूँ, भविष्य बताएगा, हमारी मांग को नहीं मानी जाएगी तो फिर फैसला लिए लेंगे हम पूरे देश के लोगों को बुला करके। हमारी पार्टी है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो सभी लोगों की राय होगी हमारे दल में, उस राय फैसला को हम मानेंगे।